हेलो फ्रेंड्स, शाम के समय 6 बज गए हैं और मैं अभी दोबारा नहा धो के रेडी हुई हूँ। सुबह की मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मैंने पूजा कर ली है, अब मुझे भूख लग रही है, तो मैं अब एप्पल खाने जा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सब्जी काटूँगी। ये है मेरी फ्रिज, फ्रिज से मैं एप्पल निकालूँ और उसको वॉश करूँ। हमारे खाने की कंडीशन तो कैसी है ना, ये मैं डाइट पूरी तरह ले ही नहीं पा रही। पता कितने एक हफ्ते कैसे ज़्यादा सा गैप हो गया कि मैंने मेडिसिन भी ले लिया। ये हमारा रेंट का घर है, मेरे पास तो ट्राइपॉड स्टैंड भी नहीं है। मेरा 7वां महीना ख़त्म होना हो गया है, यानी कि मेरा 8th मंथ शुरू हो गया प्रेगनेंसी का। तो अब नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी शुरू करनी है। मंडे को जाऊंगी डॉक्टर के पास। मैं आज बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी और बिना लहसुन प्याज के। हमारे लहसुन प्याज जो है नवरात्रों में नहीं यूज़ होता है। हाँ, मेरे ससुराल में तो हो जाता है, वो कर लेते हैं, वो कोई वहम नहीं करते हैं, लेकिन मेरे मायके पे नहीं होता था। तो मेरी भी आदत वैसे ही पड़ी हुई है कि मैं बिना लहसुन प्याज के ही नवरात्रों में खाना बनाती हूँ। ये देखो हार्ट शेप का आलू, ये मेरा दिल है। तो मेरे आलू कट गए हैं, थोड़ी थोड़ी मैं रसमी से सब्जी बनाऊंगी। मैं सब्जी बनाती हूँ मम्मा के तरीके से, जैसे मेरे मम्मा बनाते हैं ना, उस तरह से। अरे ये रात में मक्खी कहाँ से आ गई, ये 7वें वाले ना मकान टूट रहा है, वो जब से टूटने लगा ना तो वहां के मक्खी मच्छर जो है ना उड़ उड़ के हमारे घर पे आ गए, इतनी सफाई करने के बावजूद भी। तो मुझे पता है मैं कितनी मुश्किल से घर का काम करती हूँ। तो अभी मैं अदरक लेके आ रही हूँ। आज फिर नखरे मारेगा मेरा भतीजा, बहुत ही ज्यादा नखरे मारता है, मुझे गुस्सा भी आता है। तो मैं रिफाइंड नहीं यूज करती हूँ, हमेशा सरसों का तेल, सरसों के तेल से तड़का लगाती हूँ और इसमें डाला थोड़ा सा तेल। सूखा तेल ये भी है, अगर थोड़ा सा कच्चा रह जाता है अच्छी तरह, जब तक भुआ ना निकलने लग जाए तब तक उसमें हम डाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि महकने लग जाता है कच्चे तेल से। लगा दूंगी, ले आ गए यार, वो मेनू ना पास मिल रहे हैं।
ਪਵੇਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਕਾਹਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ? ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ। बड़ी गरीबी हो गए वाला क्वालिटी देखो बंद है ना फिर कैमरे डुअल व्यू करी चलो हाँ देखो सब्जी बन गई सामने देखो यार सेंड कर लाना है चल रही है नहीं चलूगी ग्रिल्ड बर्गर रखांगे ਨਾਲੇ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਚਿਕਨੀ ਚਮੇਲੀ ਵਰਗਾ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਚਿਕਨੀ ਚਮੇਲੀ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਓਰਗੈਨੋ ਲਾਲ ਅਲੀ ਸਨੀ ਲਿਓ ਮੋਮੋਸ ਮੇਰੀ ਸਵਾ ਕੇ ਪਾਗੇ ਖਾਣਗੇ ਰੇਟ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ और मियां कोई पाए और बंदा बर्गर कितना चढ़ता होगा थोड़ी ला दो यार छेक चुकी ये थोड़ा तुसी एसपी कर दो यार मशीन जी नहीं होनी है रफू होनी है जी ला दो कर दो यार रफू तो मशीन ऊपर चक के रफू दी सवेरे कर दंगी अंदर ये कह रहा है जब तक सब्जी पक रही है मैं बर्तन मांज लूं। सबसे मुश्किल मुझे बर्तन मांजने ही लगता है क्योंकि जब मैं बर्तन मांजती हूँ तो मेरा पेट जो है दबता है जिससे पेन होने लग जाती है। पर क्या करें, करना तो पड़ेगा ही ना। हस्बैंड भी कर देते हैं पर वो थक के आते हैं तो मेरा मन ही नहीं करता। कभी कभी जब बर्तन की ढेरी लग जाती है ना तब उनको बोलती हूँ आप कर दो, इतने बर्तन मुझसे मांजे ही नहीं जाएंगे। ये मेरे आलू पक गए थे और मैं टमाटर बाद में मिक्स करती हूँ जैसे मेरे मम्मा करते थे। अब इसको ढक दूँगी
बीच में जगह बना के हमने टमाटर मिक्स कर दिए, इसको ढक दिया। पकने के बाद इसमें मसाला डालूंगी। ये जो है पानी है, खारा पानी होता है, पानी देखो सूखने के बाद कैसा हो गया। ये देखो टमाटर अब पक गए हैं, और इसको डाल के इसमें डालूंगी हल्की सी लाल मिर्च। मैं हर मसाले में ना एक पाउच आता है 5 रुपए का मीट मसाले का, वो डालती हूँ। वो भी फिनिश ख़त्म हो चुका है, तो मैंने हस्बैंड से मंगवाया है। तो इसको हिला के मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और फिर से ढक दूंगी। सब्जी बन के तैयार हो गई है, हस्बैंड आ गए हैं तो उनके लिए मैं एप्पल काटने लगी हूँ। उनको भी भूख लगी है तो कह रहे हैं कि एप्पल काट दे। सब्जी बन के तैयार हो गई है, अब मैं चपाती बना रही हूँ। फटाफट से चपाती बना के उसके बाद हम खाना खाएंगे। भतीजा कह रहा है मैंने खाना खाना ही नहीं है। तो अब मैं खाना लेके जा रही हूँ, खाना खाएंगे। हमारे टीवी नहीं है तो इसलिए मोबाइल में ही सब देखते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग।